हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है क्या सर, इसका एक वीडियो पहले जा चुका है, जो इस एग्जाम का वैकेंसी आ चुका है सब इंजीनियर का, कहां से तेलंगाना स्टेट में। उसका वीडियो अगर नहीं देखें तो पहले उसको जाकर देख लीजिए आप, अगर आप उसके लिए इलिजिबल हैं। तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर? अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डेफिनेटली आप इलिजिबल हो, और अगर आप इलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसका फॉर्म भरिएगा। अब सर जब फॉर्म भरने के तो एग्जाम भी देना पड़ेगा जैसा, और इसका एग्जामिनेशन डेट भी बेटा मेंशन कर गया है। दैट इज कितना सर, जो एग्जामिनेशन डेट मेंशन है दैट इज 31/7/2022 को एग्जामिनेशन होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है बेटा, एग्जाम इसका जो एग्जाम होता है ना ऑफलाइन मोड में होता है। क्या सर? इसका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। पेपर देगा वो, एमआर शीट देगा, उसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा चीजें। ओके ठीक है सर। अब सर इसका है ना सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ये जो एग्जाम होता है ना इसमें टोटल जो होता है दैट इज 100 क्वेश्चन होता है, 80 क्वेश्चन टेक्निकल का, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, जिसमें होगा जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और वहां का जो कल्चर का है तेलंगाना स्टेट का हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो नॉन टेक का 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स का, और 80 क्वेश्चन टेक्निकल का पूछेगा 80 मार्क्स का। अब सर ये जो टेक्निकल का पोर्शन 80 मार्क्स का पूछ रहा है सर, इसमें कौन कौन सा सिलेबस इंक्लूड करने वाला है? बेसिकली ये वीडियो इसी पे बना हुआ है, इसी के लिए बना रहा हूं मैं, जो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है टेक्निकल में। ये देखिए सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये देखिएगा क्या सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे बेसिक सा सब्जेक्ट, जिसके बिना तो आप इंजीनियरिंग करना अधूरा है सर। ओके, तो इसे सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा, सेम चीज, ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, नेटवर्क थ्योरम सर, इसका पावर एंड एनर्जी कॉन्सेप्ट सर, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल करंट सर, मैग्नेटिक इफेक्ट सर, इसके बाद इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर, बैटरीज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉरी इंजीनियरिंग मटेरियल सर, इसके बाद कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग, मैग्नेटिक, इसके बाद इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, ये सारी चीज आपको इसमें पढ़ना है। किसमें सर? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। टॉपिक देख लेना बेटा, स्पेशली टॉपिक मेंशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। टॉपिक जो मेंशन है जिस सब्जेक्ट में उसको जरूर कवर करके जाना है आपको जब भी एग्जाम देने जाओ। ओके, इसके बाद दूसरा सर मेंशन क्या है सर, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डीसी मशीन एंड मेजरमेंट। क्या सर? डीसी मशीन मेजरमेंट, इसमें क्या क्या है सर, डीसी जनरेटर, ये सब टॉपिक देख लेना, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन टाइप, इक्वेशन वाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, इफिशियंसी एंड पैरेलल ऑपरेशन। इसके बाद डीसी मोटर में सर प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन, बैक ईएमएफ, टॉर्क इक्वेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, स्टार्टर, स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, इसके बाद लॉसेस क्या होता है, इफिशियंसी और टेस्टिंग क्या होता है सर। सिमिलर वे में आगे चलोगे तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कैसे, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ मूविंग क्वाइल सर, इसके बाद मूविंग आयरन सर, इसके बाद डायनेमोमीटर टाइप सर, इंडक्शन टाइप मीटर सर, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म, इसके बाद ट्रांसफॉर्मर सर, इसके बाद इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर सर, एमडी इंडिकेटर सर, ट्राई वेक्टर मीटर सर, पावर फैक्टर मीटर सर, फ्रीक्वेंसी मीटर, मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर सर, टाइप्स, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, इसके बाद सर प्रेशर ट्रांसड्यूसर एंड स्ट्रेन गॉज सर, वर्किंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप दैट इज सीआरओ, जिसे बोलते हो क्या सर, जिसको तुम सीआरओ बोलते हो, उसका वर्किंग जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेंशन है इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है सर। इसके बाद सर एसी सर्किट और ट्रांसफॉर्मर में आओगे तो ये सर इसमें क्या सर, एसी सर्किट में फंडामेंटल पढ़ना है उसका पता ही है सर, इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल आरएलसी सर्किट पता ही है, रेजोनेंट सर्किट पता ही है सर, थ्री फेज सर्किट पता ही है सर, मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वाट मीटर, यस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एसी में पढ़ो या यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, आपको मेंशन कर दिया है सर। ट्रांसफार्मर सर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन सर, इक्विवेलेंट सर्किट सर, रेगुलेशन सर, एफिशिएंसी सर, टेस्टिंग एंड पैरेलल ऑपरेशन सर, इसके बाद थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी पढ़ना है आपको। किसमें सर? एसी सर्किट एंड ट्रांसफार्मर। फिर नीचे जाओगे आप, देखो मेनली क्या है सर, ये सब मशीन का ही पोर्शन है बेटा। इसके बाद सर एसी मशीन में, देखो एसी मशीन में इतना चीज पढ़ना है, अल्टरनेटर के बारे में सब कुछ पढ़ना है सर, सिंक्रोनस मोटर के बारे में आपको सब, अल्टरनेटर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है सर, सिंक्रोनस मोटर के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, ऑपरेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन क्या होता है, इसका वी कर्व क्या होता है, इन्वर्टेड वी कर्व क्या होता है, मेथड ऑफ स्टार्टिंग एंड यूजेस क्या होता है। फिर सर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, क्या सर थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में सारा डिटेल में पढ़ना है, देखो लिखा हुआ है पूरा टॉपिक मेंशन है। इसके बाद सिंगल फेज मोटर के बारे में भी पढ़ना है, तो ये सारा चीज देख लीजिएगा, और ये कोर सब्जेक्ट में आता है और बिल्कुल आपको पढ़ना होता है एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। क्या सर? एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये सब पढ़ना है। इसके बाद सर इसके बाद यूनिट 5 में जाओगे क्या सर, पावर सिस्टम जनरेशन, जिसको पीएसए के नाम से जानते हो, क्या सर पावर सिस्टम जनरेशन और प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है, और ये सारा चीज क्या सर जनरेटिंग स्टेशन के बारे में पढ़ना है आपको, सारा डिटेल देखो टॉपिक मेंशन किया है। इसके बाद सर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है, देखो सर हर चीज टॉपिक मेंशन किया है सर। इसी तरह से ये दोनों सब्जेक्ट इसमें यही पढ़ना है, पावर सिस्टम जनरेशन में पढ़ना है जनरेशन वाला पोर्शन, जनरेशन स्टेशन के बारे में, और प्रोटेक्शन वाला पार्ट पढ़ना है। इसके बाद सर इसके बाद क्या सर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पावर सिस्टम का ही पार्ट है। क्या सर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखो क्या सर पढ़ना है सर, इसमें ट्रांसमिशन में ये सारा चीज पढ़ना है सर, सप्लाई सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है सर, कैपेसिटेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम लाइन क्या होता है, ये सारा चीज। इसके बाद सर रेगुलेशन क्या होता है, इसका
फिर एंटी इफेक्ट क्या होता है, कोरोना क्या होता है सर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचबीडीसी ट्रांसमिशन क्या होता है सर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एचबीडीसी ट्रांसमिशन क्या, तो ये सारा चीज। इसके बाद सर कंपोनेंट ऑफ लाइन क्या होता है सर, सपोर्ट क्या होता है सर, कंडक्टर सर, स्पेसिंग क्या होता है सर, ग्राउंड क्लियरेंस एंड सैग क्या होता है सर, इंसुलेटर क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सर मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है, अर्थिंग एंड लेआउट ऑफ सब स्टेशन क्या होता है, ये सारा चीज। और लास्ट में केबल के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते पढ़ते ये पावर सिस्टम वाला पोर्शन का भी एंड कर देना है, खत्म सर। तो मेनली जो पोर्शन दैट इज मशीन का सर और पावर सिस्टम का आपको दिख रहा होगा इसमें, ओके। इसके बाद जब रहोगे आगे पढ़ोगे तो यूटिलाइजेशन है इलेक्ट्रिक ड्राइव, बहुत क्वेश्चन पूछता है बेटा यूटिलाइजेशन से क्या सर, लाइटनिंग वाला पोर्शन, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, टाइप ऑफ लैंप क्या होता है, लाइटिंग स्कीम ऑफ इंडोर क्या होता है सर, आउटडोर क्या होता है सर, स्ट्रीट एंड फैक्ट्री का क्या होता है सर। इसके बाद हीटिंग एंड वेल्डिंग वाला पोर्शन देख लो, इसमें ये सारा टॉपिक मेंशन है सर। इसके बाद इलेक्ट्रिक ये सर ट्रैक्शन क्या होता है सर, इसके वाला पोर्शन सर। और लास्ट में जाके क्या सर, इलेक्ट्रिक ड्राइव है तो ड्राइव के बारे में पढ़ना है, देखो यहाँ पे क्या सर, इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में पढ़ना है, और इसमें ये सारा टॉपिक मेंशन है सर। इसके बाद सर जब यूनिट 8 में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशन एंड ऑटोमेशन, आजकल ऑटोमेशन पे फोकस कर रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशन एंड ऑटोमेशन जो है इसी सब्जेक्ट के साथ पढ़ाया जाता है। बहुत जगह जब आप यूटिलाइजेशन पढ़ते हो उसी में एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ा दिया जाता है, तो ये इसी का पार्ट है। देखो क्या सर, सर वायरिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग टूल्स वायर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वायरिंग क्या होता है, एसोसरीज क्या होता है, लैंप सर्किट क्या होता है सर, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ डोमेस्टिक वायर क्या होता है सर, इंडस्ट्रियल पावर क्या होता है, इरिगेशन पंप सेट क्या होता है सर, इसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है सर, डिपार्टमेंटल टेस्ट क्या होता है, और लास्ट में जाके अर्थिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, सारा प्रोसीजर आपको पढ़ना है। इसके बाद सर ऑटोमेशन में क्या सर, बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक, ओके, इसके बाद जिसको पीएलसी बोलते हो आप। इसके बाद सर पार्ट्स ऑफ पीएलसी पढ़ लेना है आपको, सिंपल एप्लीकेशन विद पीएलसी, ये सारा चीज पूछ रहा है। और देखो मेंशन करके दिया है तो पूछेगा, और जब पूछेगा तो पेपर में ये मत बोलना सर बोला कहां था पीएलसी पूछेंगे, ऑटोमेशन मतलब पीएलसी, और दिख रहा है सर ऑटोमेशन मतलब पूछेगा पीएलसी, सिंपल सी बात है, जब लिखा है तो डेफिनेटली पूछेगा, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। इसके बाद सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन, वैसे भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का ये थोड़ा लैक करता होता है, थोड़ा सा टाइम दोगे तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप मशीन पढ़ते हो, आप पावर सिस्टम पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है इसी पे फोकस करना चाहिए। नहीं बेटा, यहां से भी क्वेश्चन आता है, देखो कितना अच्छा सिलेबस डिजाइन है। देखो कैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में पढ़ना है, क्या सर, सर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जीनर डायोड क्या होता है सर, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इसका ट्रांजिस्टर का जो कॉन्फिगरेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है सर, पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है सर, ये सारी चीजें। फिर सर स्पेशल डिवाइस यूजेटी क्या होता है, एफईटी क्या होता है, एलईडी क्या होता है, आजकल एलईडी पूछ रहा है एग्जाम में। इसके बाद सर एससीआर क्या होता है, ऑप्टो कपलर क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है सर, और लास्ट में जाके क्या सर फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में भी, ये सब बेसिक आइडिया लेके चलना है आपको, क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन इस पे फ्रेम किए जाते हैं। इसके बाद सर एम्पलीफायर वाले पोर्शन में आओ, देखो लिखा है एम्पलीफायर सर, टाइप्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी कपल्ड, ट्रांसफॉर्मर कपल एंड डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर क्या होता है, क्लास ए एम्पलीफायर, इसके बाद सर पुश पुल एम्पलीफायर, फीडबैक, इसके बाद डिफरेंस और एंड ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है, और लास्ट में ऑसिलेटर के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर के बारे में, इसका फंक्शन जनरेटर के बारे में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है इसका, ये सब, और लास्ट में बेसिक्स ऑफ आईसी, जिसको आप लोग इग्नोर कर देते हो, ये सारे चीजों को इग्नोर नहीं करना है, बेसिक बेसिक नॉलेज इस सारे पोर्शन को भी लेके चलना है। ये सर ये सब केवल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हुआ, बेसिक एनालॉग मिला के हुआ, अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा टॉपिक क्या है सर, बेसिक बेसिक देखो इसमें क्या सर, बेसिक टॉपिक पढ़ना है क्या सर, डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम, इंटर कन्वर्जन, जो कन्वर्जन करते हो, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये सारा चीज है। इसके बाद सर बुलियन अलजेब्रा के बारे में बेसिक नॉलेज रखना है, लॉजिक फैमिली के बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ एंड और नोट नॉर नैंड, ये जितने भी लॉजिक गेट है, चाहे बेसिक गेट हो, अर्थमेटिक लॉजिक गेट हो, इसके बारे में बेसिक आइडिया सर। इसके बाद कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बारे में, और सिक्वेंशियल में ही पढ़ते हो अपन क्या, रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर सर, और मेमोरीज, और लास्ट में जाके ए टू डी के नंबर। देखो सारा चीज लिखी दिया है जहां तक तुम लोग डिप्लोमा में पढ़ते हो, यही सारा चीज आपको पढ़ाया जाता है, और बिल्कुल आप ये सारी चीजें पढ़े होगे आप। इसके बाद लास्ट में यूनिट 10 है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर, देखो छोड़ा नहीं है कुछ भी,
सिलेबस का कवरेज बहुत अच्छा रखा है बेटा। ये सब्जेक्ट का नाम 10 ही दिया लेकिन सिलेबस का कवरेज बहुत अच्छा करके रखा है। क्या सब सर इसमें क्या सब है? इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है सर, देखो सारा चीज मेंशन है कौन कौन सा टॉपिक। इस बार कन्वर्टर के बारे में पढ़ना है, ये सारा चीज मेंशन है सर। इस बार स्पीड कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, सारा कुछ मेंशन है सर। इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर में देखो क्या सब है, माइक्रो कंट्रोलर में आर्किटेक्चर पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन सेटअप 8051 ध्यान से सुनना 8051 के बारे में पढ़ना है। इसके बाद प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पढ़ना है, प्रिंसिपल आईसी पढ़ना है सर, सॉरी पेरिफेरल आईसी पढ़ना है, पेरिफेरल आईसी, इसका फंक्शन फीचर्स पिन डिटेल्स एंड इंटरफेसिंग ऑफ 8255 ध्यान से देखना 8255 8251 8279 8257 8259 और RS232 इस सब के बारे में जानना है। ये है ओवरऑल सिलेबस 10 सब्जेक्ट, लेकिन बेटा ये 10 सब्जेक्ट जो है ना वो 12-13 सब्जेक्ट जो तुम्हारा होता है उसको कवर कर लिया। ये है टोटल सेक्शन सर, ये टेक्निकल का हुआ और सेक्शन बी दैट इज 20 मार्क्स का जो पूछता है उसमें क्या सब पूछेगा सर, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें पूछेगा एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको तुम रीजनिंग भी पूछ सकते हो एप्टीट्यूड रीजनिंग में के बारे में सर। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जो जनरल अवेयरनेस है जीए सर। इसके बाद इंग्लिश भी थोड़ा सा पूछेगा, थोड़ा सा नॉर्मल जो आता है सर इंग्लिश। इसके बाद रिलेटेड टू तेलंगाना कल्चर एंड मूवमेंट ये पूछेगा सर, हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है, और लास्ट में थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये देखो ये 5 चीज पूछेगा नॉन टेक में, नॉन टेक आता है कितना सर 20 मार्क्स का। ओके तो इस तरह से आपका पेपर फ्रेम होने वाला है, इस तरह से आपका सिलेबस एनालिसिस है, तो इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। और बिल्कुल अपना प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर दीजिए, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे बेटा उतना जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और इसका लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे और जाके एग्जाम में अच्छा करने वाले। ओके ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।